सो गाइस 1000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर। मैं सीधे आपको मिलता हूँ जागेश्वर धाम में, चलिए चलते हैं। मंदिर के अंदर का मैं नहीं दिखाऊंगा, ऑब्वियसली मना भी होता है और हमें रेस्पेक्ट भी करनी है उस चीज की। बाकी मेरे को ये मिला है, या अब चलते हैं अगले मंदिर जागेश्वर धाम। चुके हैं जागेश्वर धाम, मेरे साथ प्रिंस और आर्य शर्मा। हेलो गाइस, सो अब हम जाएंगे दर्शन करेंगे। आज भीड़ नहीं होगी लकीली, बिकॉज हम एक तो ऑफ सीजन आए और ऐसे दिन आए ट्यूजडे के दिन, संडे वगैरह में काफी भीड़ होती है। मैं एक ही महीने पहले यहाँ पे आया था YouTube स्टार्ट करने से पहले, सो मैजिकली मैं वापस आ चुका हूँ एंड आई गेस 1000 सब्सक्राइबर के साथ, सो इट्स अ ब्लेसिंग। आई फील लाइक बुलावा आया है, आ गए हैं, आते रहेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दर्शन पूरे हो चुके हैं, अंदर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि सब लोगों की धार्मिक आस्था होती है जिसे मैं ख़राब नहीं करना चाहिए। सब लोग अपने पीसफुल माइंड के लिए भगवान से मिलने आए हैं। बाकी हम कुबेर जी के मंदिर से निकले हैं अभी और ये तिलक मैंने लाइफ में पहली बार लगाया, ऑल दो मैं खुद ब्राह्मण हूँ, बट अच्छा लगा लगा के। और अब हम जाएंगे नीम करौली बाबा के मंदिर पर, वहाँ से वहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद मेरे चप्पल चोरी हो गए, जो कि कहा जाता है अच्छा साइन है, कहते हैं लोग आपकी शनि ग्रह की जो चीज़ें चल रही होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सो आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है क्या मान्यता है प्लीज़ बताएं, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ माना जाता है। सो आई एम हैप्पी कि ऐसा है, तो आगे आने वाले वक्त में और अच्छा होगा और शायद यूट्यूब पे हमारे और ज़्यादा ग्रोथ होगी। सो चलो अब चलेंगे हम सीधा नीम करौली बाबा के धाम। यहाँ से अराउंड एंड अराउंड 3.5 घंटे का रास्ता है, हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। सो चलिए चलते हैं। नीम करौली बाबा के धाम, गाड़ी पार्क कर दी है, मंदिर जस्ट सामने है, तो दर्शन करेंगे उसके बाद घर की तरफ निकलेंगे। आप लोगों को दिखाता हूं मैं मंदिर। ये वही मंदिर है जहां विराट कोहली आए थे, उसके बाद ये इतना पॉपुलर हो गया है कि यहाँ पे 5-star होटल्स बन रहे हैं। अब भीड़ देखो आप, ये बहुत कम भीड़ है, मैं जून में आया था अभी एक महीने पहले, बहुत भीड़ थी। और जब मैं पहली बार आया था यहाँ सिर्फ पाँच लोग थे हम जब मैं आया था, और आराम से दर्शन किए थे और आज लाइनों में लगना पड़ता है। सो दैट्स पावर ऑफ विराट कोहली राइट देयर। बाकी आप लोग भी आओ, विजिट करो, इट्स अ गुड प्लेस, अच्छा लगेगा आपको, धार्मिक जगह है। और आप में से कौन कौन जानता था इस नीम करौली बाबा को प्लीज़ कॉमेंट करके बताओ। आ चुके दर्शन करके, कैसा लगा? अंदर हमने शूट नहीं करा क्योंकि अलाउड नहीं है। बाकी अब हम घर की तरफ निकलेंगे, तो अब आप हमारे घर का रास्ता, मतलब नैनीताल को देखते हुए निकल जाएंगे। वैसे तो नैनीताल आप लोगों ने देखा ही होगा, स्किप कर दोगे आप कैसे लोग, बट कोई नहीं, देख लेना। रहे नैनीताल के लिए, यहाँ से आई थिंक 30 घंटे या 40 मिनट का रास्ता रहेगा। सो लेट्स गो। चुके भीमताल, ये रास्ते में पड़ता है हल्द्वानी जाते हुए, देख लो भीमताल भी है। आई नो नैनीताल नहीं गए हम, भीमतालों के सीधे घर आ गए और यहाँ तक। और अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देख लिया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कुछ और अच्छे ब्लॉग्स के लिए। गाइस आज हम काट रहे हैं केक 1000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में, सो थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया, या आप लोगों की वजह से ही केक कट रहा है। आगे खा सकते हो आप लोग अगर आना चाहते हो तो।